लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि लोको पायलट को गर्मी में खोलते केबिन में बैठकर 16-16 घंटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही लोको पायलट के वर्किंग आवर्स की भी कोई सीमा नहीं है और न ही उन्हें छुट्टी मिलती है। वहीं राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों के बाद अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन तमाम बातों का खंडन किया है। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि बीते 10 वर्षों में लोको पायलट सहित रनिंग स्टाफ के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, इससे उनकी काम करने की परिस्थितियां बेहतर हुई हैं। उन्होंने बताया कि 34,000 रनिंग स्टाफ की भर्ती हो चुकी है जबकि 18,000 अन्य की भर्ती की जा रही है। इसी के साथ अश्विनी वैष्णव ने आगे लिखा, लोको पायलट रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। चूंकि विपक्ष द्वारा हमारे लोको पायलटों को हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारी गलत सूचनाएं और नाटकबाजी की जा रही है, इसलिए मैं चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के मामले में पता होना चाहिए कि लोको पायलट के वर्किंग आवर्स की सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है, यात्राओं के बाद उचित विश्राम भी दिया जाता है। लोको पायलट की ड्यूटी 8 घंटे से भी कम की होती है, केवल इमरजेंसी परिस्थितियों में ही यात्रा की अवधि निर्धारित घंटों से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि लोको पायलट लोको कैब से ही ट्रेन चलाते हैं और 2014 से पहले कैब की हालत बहुत खराब थी। 2014 के बाद हमने बहुत कुछ सुधार किया है और इस समय 7,000 से अधिक लोको कैब वातानुकूलित हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट्स के जीवन की रेल पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। गर्मी में खोलते केबिन में बैठकर लोको पायलट्स को 16-16 घंटे काम करने को मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।